इसमें आपके लिए कितने जो स्ट्रीट फूड है वो ऐड कर सकते हैं, ये आज का हमारा टास्क है। दो हमारे हो चुके हैं, रिमेनिंग आपको बताने वाले हैं जयपुर की मोस्ट फेमस लाइव घेवर मेकिंग। इन्होंने सिगड़ी जला रखी है नीचे और सिगड़ी से ये पूरा जो इनको ओवन होता है वो गर्म होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आने वाले हैं कि मतलब कि जयपुर का फूड टूर। बिल्कुल सही सुना आपने, हमारे पास एक डायरी जिसपे लिख रहा है खम्मा घड़ी। जी सबसे पहले तो नमस्कार, सत श्री अकाल, खम्मा घड़ी, मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर जयपुर, लेके आ चुका एक नई YouTube वीडियो। आज की YouTube वीडियो में हम बात करेंगे जयपुर के फूड टूर की, मतलब कि अगर आप जयपुर में शहर में आते हैं, अभी हम त्रिपोलिया गेट पर अभी हम खड़े हैं, अभी हवा महल हमारे पीछे, यहाँ से हम सेंटर से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं ताकि अगर कोई भी अगर कुछ भी खाने पीने का चीज़ ढूंढ रहा है तो उसको यहाँ से कितनी दूरी पर कौन कौन सी चीज़ें मिलेगी। आज हम इस डायरी में आपके लिए देखते हैं कितनी चीज़ें जो स्ट्रीट फूड है वो कितना आपके लिए ऐड कर पाते हैं, आपको साथ साथ दिखाएंगे, एक्सपीरियंस करवाएंगे, एड्रेस बताएंगे, प्राइस भी बताएंगे। आपको क्या करना है, लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर और लाइक करना है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद तो आने वाली है क्योंकि खाने पीने की चीजें किसको नहीं पसंद है। तो आपके लिए हम आज जयपुर का करने वाले हैं फूड टूर और आपको जितनी भी हम कैपेबिलिटी होगी खाने की और आपको दिखाने की वो सारा कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि भाई जयपुर में आते हैं ना तो जयपुर का अगर आपने जायका नहीं लिया, स्ट्रीट फूड का नहीं लिया, आपने जयपुर के समोसा कचौरी नहीं खाए, दही बड़े नहीं खाए, कांजी बड़ा नहीं खाया, तो आपने जयपुर में स्ट्रीट फूड में खाए क्या? तो बस इसी के रिगार्डिंग आज की हमारी वीडियो होने वाली है। तो जल्दी से जल्दी हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक नहीं किया तो भैया वीडियो को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कर दीजिए ताकि जयपुर के बारे में अनएक्सप्लोर कॉन्टेंट आपको सिर्फ और सिर्फ मिस्टर जयपुर के चैनल पर देखने को मिलता रहता है। अभी थोड़ा देख लीजिए त्रिपोलिया गेट पर अभी हम खड़े, अभी हम हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। कितने का आइटम रहता है, क्या फूड आइटम रहता है, आप कैसे पहुँच सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों हमारे जयपुर फूड टूर की वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम हमारी जो डायरी है उसमें लिखने वाले हैं कि आपके लिए कितने आइटम ऐड करने वाले हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूँ कि कहाँ से हम कैसे कैसे हमारी जो रहेगा वो मैं आपको एक बार लिख के भी बताने वाला हूँ कि देखिए अब हमने लिस्ट बना ली है। अब हमारा पहला आइटम क्या होने वाला है वो अभी हम आपको चल के बताने वाले हैं कि पहला आइटम कितने का है, कहाँ आपको मिलेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली। तो क्योंकि यार देखो जयपुर के बारे में अगर मैं जब भी एक्सप्लोर करने निकलता हूँ ना स्ट्रीट फूड को, तो मैं अपने दिल से वीडियो बनाता हूँ कि आपको मतलब बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना रहे। टेस्ट और फीडबैक है ना वो मेरी तरफ से मैं देता हूँ। तो अभी हम बड़ी चौपड़ पर खड़े हैं, बड़ी चौपड़ पर देखो पुरोहित जी का कटला अभी सामने आएगा, वहाँ के सामने या तो हमको कांजी बड़े मिलेंगे या दही बड़े मिलेंगे, जो भी मिलेगा आपको जेन्युइन हम बताने वाले हैं। दोस्तों जयपुर का मौसम आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया हो रहा है क्योंकि आज थोड़ी गर्मी कम है। और अभी हम जो पहला जो हमारा फूड आइटम है वो है कांजी बड़ा, जयपुर का फेमस कांजी बड़ा, अभी हम आपको टेस्ट करके बताने वाले हैं। प्राइस है मात्र 20 रुपये, 20 रुपये में दो पीस मिलेंगे। कैसा टेस्ट रहता है और कैसे जो मेरा एक्सपीरियंस रहता है वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ क्योंकि वन ऑफ द माई फेवरेट फूड आइटम है कांजी बड़ा। और क्योंकि टेस्ट वाइज भी अगर हम बात करते हैं ना तो टेस्ट वाइज भी काफ़ी बढ़िया रहता है। अभी देखिए अंकल, अंकल आपका नाम क्या है? मनोज जी यहाँ पे बैठे हैं। मनोज जी के हाथ से हम जो कांजी बड़े हैं फेमस, कितने टाइम हो गया सर आपको यहाँ पे? बहुत समय हो गया, मतलब कि कितने साल हो गया लगभग? अच्छा थर्ड जनरेशन है इनकी जो यहाँ पर है। अभी थोड़ा सा आप इधर आइए, आप बताइए एक बार, ये देखिए एक बार मेरे को दीजिए आप, ये देखिए ये मनोज जी हैं और ये कांजी बड़ा की जो स्टॉल इन्होंने यहाँ पे लगा रखी है, बड़ी चौपड़ है और ये गेट नंबर 4 के, ये देखिए गेट नंबर 4 है बड़ी चौपड़ पे, उनके सामने जस्ट इनकी ये जो स्टॉल है यहाँ पे लगती है। एक बार चला के बता दीजिए इसको, एक बार खाओगे दोबारा चले आओगे दौड़ते हुए, एक बार पेटी इसको ले लो। ये देखिए अभी हम इनके कांजी बड़े टेस्ट करने वाले हैं और बताने वाले हैं। तो 20 रुपये प्राइस बताई ना भी आपने इसकी, 20 रुपये में दो पीस, ठीक है। तो अभी एक प्लेट हमारे लिए लगा दीजिए आप। तो दोस्तों ये देखिए जयपुर का फेमस कांजी बड़ा है और ये दो पीस इसमें आ चुके हैं। और इसमें क्या क्या डलेगा सर? कुछ नहीं डलता है, पूरा सामान घर से डल के आता है। और सुबह कितने बजे उठते हैं सर आप?
चार बजे उठ के। तो अभी हम टेस्ट करने वाले हैं जयपुर का फेमस कांजी बड़ा, बिल्कुल। और इसमें ये जो राई का पानी है वो भी देगा, काफ़ी बढ़िया है। मतलब कि जो घर में बनता है वो साइज थोड़ा छोटा बनता है पर टेस्ट सेम रहता है। और ये दाल का बनता है, कौन सी दाल रहती है सर? ये मूंग की दाल, मूंग की दाल का बनता है ये। और टेस्ट वाइज बहुत ही बढ़िया है। अगर आप जयपुर की सड़कों पे गर्मियों में घूम रहे हैं और अगर आपको ऐसा कांजी बड़ा मिल जाए, प्योर कांजी बड़ा, मतलब कि जो कांजी बड़ा जिस टेस्ट के लिए जाना जाता है ना, उस टेस्ट के लिए। और थोड़ा सा देखिए, मैं आपको बताता हूँ, देखिए थोड़ा सा पास लेके बताइए, देखिए बिल्कुल फ्रेश है। मज़ा आ गया, समझ रहे हैं। और इसके साथ जो राई का पानी है वो भी मैं एक बार वापस आपको टेस्ट करके बताने वाला हूँ। भाई साहब मेरा तो दिल खुश हो चुका है। आपको रिकमेंडेशन करूँगा, सिर्फ 20 रुपये में 2 पीस हैं। पता मैंने बता दिया आपको, बड़ी चौपड़ में मेट्रो जो स्टेशन है गेट नंबर 4 के, इन पे यहाँ की स्टॉल लगती है। आप किसी से भी आसपास से पूछेंगे ना, राजवेश है, राजवेश के नीचे इनकी शॉप लगती है। बाकी आप मेट्रो जो आएंगे, जयपुर मेट्रो का गेट नंबर 4 है बड़ी चौपड़ का, वहाँ पर इनकी, जैसे आप बाहर निकलेंगे ना तो इनकी शॉप है। बाकी और एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा एड्रेस इनका मेंशन कर दूंगा। आप चलते हमारे नेक्स्ट स्टॉप की तरफ कि हमको नेक्स्ट खाने में क्या मिलता है। आप जब जयपुर में आते हैं तो आप जयपुर के स्पेशल पेटीज खाए बिना कैसे जा सकते हैं? तो अंकल एक बार बना के बता दीजिए कैसे पेटीज बनती है। तो स्पेशल पेटीज है जयपुर की, तो एक दिन में कितनी पेटीज आप सेल कर लेते हैं? 700 से 800। और एक पेटीज की प्राइस कितनी रहती है? 20 रुपये प्राइस रहती है। और देख लीजिए अभी इसमें क्या डालने वाले हैं आप? प्याज डलेगा, प्याज डल गया, भुजिया डलती है। अच्छा ये भुजिया डालते हैं आप, लिख रहे यार। और केचप डलता है। अच्छा ये केचप डल चुका है और ये मेयोनीज डल चुकी है। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, जयपुर की स्पेशल पेटीज जो है ये अंकल बेचते हैं। और इनकी जो शॉप है, ये जो कांजी बड़े की शॉप है, इसके बगल में ही इनकी शॉप लगती है, गेट नंबर 4, जो मेट्रो का गेट नंबर 4 है यहाँ पे मेट्रो स्टेशन का, वहाँ पर ये पेटीज लगती है। और देखिए ये पेटीज हमारी तैयार हो चुकी है। तो भैया आप मतलब कि टाइमिंग क्या रहता है आपका, एक बार टाइमिंग बता दीजिए। 10 से रात को 9, सुबह 10 से रात को 9 बजे तक लगता है। तो दोस्तों आप जब भी एक बार बड़ी चौपड़ आएँ तो एक बार ये जयपुर की स्पेशल पेटीज जो है वो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए। और आप ये नीचे क्या लगा रखा है आपने सर, ये गर्म कैसे होती है? अंगीठी। तो एक बार निकाल के दिखा दीजिए, देखा कैसे, ये देखिए इनका जुगाड़ जो है, ये देखिए जो इनका ये जुगाड़ है, ये मतलब कि सिगड़ी से इनके गर्म करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये इन्होंने सिगड़ी जला रखी है नीचे, और सिगड़ी से ये पूरा इनका जो इनको ओवन होता है वो गर्म होता है। और इनकी सिकाई डबल सिकाई हो जाती है कि इनकी। तो सर जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि आज हम इस डायरी में आपके लिए ऐड करने वाले हैं कि हमने कौन कौन से जो स्ट्रीट फूड है वो आपके लिए एक्सप्लोर किए हैं। तो पहला और दूसरा हमारा स्ट्रीट फूड कवर हो चुका है। जो पहला स्ट्रीट फूड था वो हमारा हो चुका है जयपुर का फेमस कांजी बड़ा, देखिए। तो अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं, कांजी, ये देखिए कांजी बड़ा हमारा हो चुका है। पहला हमारा स्ट्रीट फूड कवर हो चुका है। दूसरा हमारा स्ट्रीट हुआ फेमस पेटीज, ये हुई हमारी दूसरी। अब हम इसमें आपके लिए कितने जो स्ट्रीट फूड है वो ऐड कर सकते हैं, ये आज का हमारा टास्क है। 2 हमारे हो चुके हैं, रिमेनिंग बच रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट खाने की तरफ। घूमते घूमते हमारा क्या गला सूख गया और थोड़ा सा डिहाइड्रेशन टाइप का भी हो गया, तो हमको चाहिए नींबू पानी, वो भी बिल्कुल फ्रेश। तो भैया हमारे लिए एक नींबू पानी बना दीजिए। कितने का ग्लास है? 20 रुपये का एक ग्लास है। और अभी मैं पीता हूँ, थोड़ा सा क्या है, एनर्जी डाउन हो जाती है ना, तो आपके लिए एनर्जी बूस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। या तो आप कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, या नींबू पानी पी लीजिए, या आप चाय पी लीजिए। चाय पीने का दिल कर नहीं रहा। घूमते घूमते हमें जयपुर का, देखो बर्फ़ काट रहे हैं अभी, घूमते घूमते अभी हमें ना जयपुर का जो नींबू पानी है वो पीने की इच्छा हुई, क्योंकि गला सूख रहा है यार, और गर्मी और थोड़ी उमस पड़ रही है, तो शरीर के लिए सबसे बेस्ट है नींबू पानी।
तो ये भैया हमारे नींबू पानी बना रहे हैं, अभी हम पी के बताने वाले हैं कि कैसा हमको लगता है। और मतलब आसपास ही घूम रहे हैं आज, हम सिटी का जो फूड टूर है हम कर रहे हैं, और आपके लिए यहाँ से आसपास, क्योंकि जब भी कोई यहाँ पे आता है ना तो बड़ी चौपड़ पे तो आते आता है, तो आपको आसपास क्या फूड आइटम मिल जाएंगे खाने के लिए वो हम एक्सप्लोर करने आज निकले। तो अभी हमारा नींबू पानी आ चुका है, और नींबू पानी हम बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक घूट खींचते तो ऐसा आनंद आ गया कि पूरी एनर्जी वापस आ गई है। दूसरा घूट और खींच लेता हूँ। मैं आपके लिए गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, तो आपका क्या काम है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ऐसी धूप में घूमना पड़ता है, काला भी हो चुका हूँ पहले से, मैं पहले गोरा था अब काला हो चुका हूँ। तो ऐसी धूप में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ना, तो आपको लाल कलर का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर और लाइक करना है, ताकि जयपुर के बारे में आपको अनएक्सप्लोर कंटेंट जो है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अभी हमारा तीसरा जो फूड है वो कवर हो चुका है, और अभी हम हमारी जो डायरी है इसमें नोट करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे लिए चैलेंज था कि आज आपके लिए मैं कितना जो स्ट्रीट फूड है वो कवर कर सकता हूँ। दो ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं, तीसरा है जयपुर का फेमस नींबू शिकंजी। तो अभी हम तीसरा जो हमारा है वो ऐड करने वाले हैं, नींबू तीन हमारे फूड अभी कवर हो चुके हैं, देखते हैं कितना ये जो काउंट है हम आगे बढ़ा पाते हैं। जब तक आप वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों जयपुर की गलियों में घूमते घूमते नेक्स्ट आइटम इस डायरी में हम क्या ऐड करने वाले हैं, क्योंकि देखिए जयपुर में तीज और गणगौर का जो फेस्टिवल है ना बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और जयपुर इसके लिए जाना भी जाता है, तो इसी में हम स्पेशल आइटम एक ऐड करने वाले हैं। और अभी हम आपके लिए जयपुर की गलियों में घूमते घूमते पहुँच चुके हैं जयपुर की फेमस घेवर और फीणी की दुकान पर। अभी हम यहाँ पर हैं ब्रजवासी स्वीट हाउस के यहाँ पर अभी हम हैं, थोड़ा सा आप दुकान का नाम दिखा दीजिए। अभी यहाँ पर फ्रेश घेवर की जो मेकिंग है वो हम आपको दिखाने वाले हैं, थोड़ा सा आगे आइए। देखिए यहाँ पर जो घेवर की मेकिंग है वो चल रही है, और देसी घी में ये जो घेवर है वो बनाए जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ जो घेवर और फीणी है जयपुर के जो मिठाइयाँ हैं उनमें सबसे मतलब खास महत्व जो रखते हैं ना वो फीणी और घेवर जो जयपुर का काफ़ी फेमस है, उसी की मेकिंग अभी हम आपको दिखा रहे हैं, और अभी हम आपको टेस्ट भी करके बताने वाले हैं कि कैसा टेस्ट इसका रहता है, क्योंकि यार मेरा जो पर्सनल फेवरेट है जो मेरी मम्मी के हाथ के घेवर और फीणी मेरी मम्मी घर पर भी बनाती है। बट अभी हम जयपुर की गलियों में हैं, तो मेरा जो काम है, क्योंकि इस डायरी में आपके लिए हमारा जो टास्क है कि कितने स्ट्रीट फूड जो है मिठाइयां हैं कितनी ऐड कर सकते हैं वो हमारा टास्क है। अभी हम तीन जो है फूड आइटम इसमें ऐड कर चुके हैं, नेक्स्ट आइटम हमारी जो एडिंग है वो जारी है। नेक्स्ट फूड आइटम है हमारा घेवर और फीणी। दोस्तों अभी हम जिस शॉप पे थे उसके हम कारखाने में आ चुके हैं, जहाँ पे इनकी मेकिंग होती है, एक बड़े पैमाने पर इनकी मेकिंग होती है। अभी हम आपको अंदर लेके चलने वाले हैं, और अंदर से आपको पूरा कारखाना बताने वाले हैं कि किस जो लेवल पर इनकी घेवर मेकिंग होती है, क्योंकि काफ़ी फेमस है जयपुर में इनका नाम। तो अभी हम अंदर चलने वाले हैं और आपको लाइव घेवर मेकिंग बताने वाले हैं। अभी ये मिश्री मावा बन रहा है, क्या बन रहा है सर? ये बर्फ़ी के लिए जो मावा तैयार हो रहा है वो तैयार हो रहा है, तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं पास से, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, ये देखो ये इलायची डल रही है इसके अंदर, ये देखिए आप, और अभी हम आपको अंदर लेके चलने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अभी हम कारखाने के अंदर चलने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं भाई किस लेवल पर घेवर मेकिंग होती है, बिल्कुल फ्रेश घेवर जो है इनके पास। क्या मैं आपको थोड़ा सा साइज बताऊँ, टिन्नी मिन्नी घेवर है इतना सा, मतलब कि 2-2.5 इंच का घेवर से लेकर आपको जो फुल साइज का घेवर होता है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा आप मेरे पीछे आइए, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये इनका जो कारखाना है जहाँ पे इनकी चीज़ें बनती है, और यहाँ से होके फिर रेडी होके फिर शॉप पर जाती है। तो थोड़ा सा अभी हम इनका टूर करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि किस लेवल पर घेवर मेकिंग ये करते हैं। देखिए यहाँ पर भट्टी चल रही है, और चार उसमें कढ़ाएँ हैं छोटे छोटे जो कि घेवर के साइज़ के हैं, और वहाँ पर ये दोनों भैया हैं वो लगातार मतलब कि इस गर्मी के दिन में भी आपको घेवर बनाते हुए दिख रहे हैं। और देखिए लगातार इनके जो हाथ चल रहे हैं ये डाले जा रहे हैं, और क्योंकि इनका जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस मेन होता है कि कैसे ये घेवर बनते हैं, बड़ा पेशेंस वाला काम है, क्योंकि जो खाने में जो जयपुर की मिठाई है वो काफ़ी फेमस है ये। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये घोल इन्होंने तैयार किया, ये घोल किस चीज़ का रहता है सर? ये मिक्सचर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्सर है, मोस्टली मैदा का रहता है ये? नहीं, दूध पनीर मैदा घी का रहता है। और देखिए ये लगातार यहाँ पर डाले जा रहे हैं, और एक मतलब एक स्लॉट को तैयार होने में कितना टाइम लगता है? 20 मिनट ही इसको लगते हैं।
तो काफ़ी मेहनत का काम है। और देखिए आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इन्होंने ये जो रेडी करके रखे हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। और इनकी जो भट्टी चल रही है वो भट्टी लगातार चलती रहती है। तो कितनी देर तक आप बनाते रहते हैं, मतलब कि कितने घेवर एक दिन में निकाल लेते हैं सर आप? पंद्रह किलो के करीब घेवर निकल जाते हैं। और आप मेरे सामने देख सकते हैं लाइव घेवर मेकिंग, अगर आपको किसी चैनल पर नहीं देखने को मिलेगी, सिर्फ जयपुर की लाइव घेवर मेकिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए किस पैमाने पर ये चीज़ जो है ये इनकी बनती है। थोड़ा सा अंधेरा है, लाइट का इशू है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैंने दिखा दिया है। तो इसी बात पर आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर और लाइक करना है, ताकि जयपुर के बारे में अनएक्सप्लोर कॉन्टेंट, जैसा कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, वैसा कॉन्टेंट आपको देखने को मिलता रहता है। दोस्तों ये देखिए, ये तैयार घेवर है और ये इसकी मोटाई देख सकते हैं आप, और इसकी क्वालिटी देखिए। और भी गरम गरम मेरे हाथ में ये घेवर है, जयपुर की जो फेमस मिठाई है घेवर, मतलब कि जयपुर से ही जो ये मिठाई है जयपुर में ईजाद हुई है। और कितना मतलब कि कारीगरी का काम है, मतलब कितना ये, मतलब कि देखिए इनका काम जो है बिल्कुल बारीक कारीगरी इसमें होती है, मतलब देखिए आपको हर साइज के घेवर यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो भैया एक बार आप हमको चाशनी चढ़ा के बताइए कि कैसे आप चाशनी चढ़ाते हैं घेवर में। लेकिन इनके पास अलग प्रोसीजर है, अगर आप यहाँ से लेते हैं तो ये चाशनी बिल्कुल तैयार रहती है। चाशनी तैयार होने के साथ इसमें ये चाशनी चढ़ाई जाती है। देखिए ये डिप कर दिया इन्होंने और अब ये बाहर निकालेंगे तो ये घेवर पूरा रेडी है। अगर आप तो दोस्तों हमने घेवर की मेकिंग देख ली है, कैसे घेवर बनते हैं, कैसे इनका पूरा जो कारखाना है वो हमने आपको दिखाया। और अभी हम आपको टेस्ट करके बताने वाले हैं। पहले तो भैया का नाम जानते हैं, कितने सालों से शॉप है वो हम जानते हैं। भैया एक बार आपका नाम बता दीजिए। आशीष जी हैं। आशीष जी मुझे बताइए कितने सालों से आप घेवर का जो काम है वो कर रहे हैं? 40 सालों से घेवर का काम आप कर रहे हैं। तो मतलब कौन कौन सी वैरायटी के घेवर मिल जाते हैं अपने पास? घेवर बनाते हैं, पिस्ता घेवर है, पिस्ता घेवर है, अच्छा मैंगो घेवर है, पिस्ता मैंगो और चॉकलेट घेवर है, और 365 दिन बनाते हैं मलाई घेवर। अच्छा ये देखिए ये मलाई घेवर है। और आपने जयपुर में कहीं, जयपुर में तो छोड़िए, आपने अगर कहीं इतना छोटा घेवर देखा हो ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बिल्कुल आप देखिए कितना ही छोटा सा ये घेवर है और इतनी ही छोटी इनके पास फीणी वगैरह है वो भी मिल जाती है। देखिए कितनी छोटी फीणी है, बिल्कुल मतलब कि आपकी हथेली में से भी छोटी ये फीणी है। और ये बिल्कुल छोटा सा नन्ना सा घेवर है। इस घेवर से लेकर इनके 5 से 6 तरीके की साइज़ है। एक बार साइज़ बता दीजिए सर हमारे पास। ये देखिए ये पूरी साइजेज हैं जो इनके मिलती है, 1, 2, 3, 4 और 5 तरीके की साइज़ के घेवर हैं जो यहाँ पर मिलते हैं। देखिए ये छोटा सा है, फिर ये बड़ा। आपको इतनी साइज़ और इतनी वैरायटी आपको जयपुर में कहीं नहीं मिलने वाली है। और अभी हम टेस्ट करके आपको बताने वाले हैं, ये रबड़ी घेवर है तो थोड़ा सा हम आपको टेस्ट करके बताने वाले हैं कि कैसा ये लगता है। क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने हर तरीके घेवर खाए हुए हैं, बट आज आपको जो घी वालों के रस्ते में ब्रजवासी जो नाम की जो शॉप है, जो मेरे को किसी ने रिकमेंडेशन किया था कि आप एक बार यहाँ पे ज़रूर जाके आइएगा, तो आज मैं टेस्ट करने वाला हूँ। इसमें मतलब कि रबड़ी का स्वाद आ रहा है और नीचे घेवर है, मतलब एक जो फ्रेश चीज़ होती है ना वो बनती है तो उसका एक फ्लेवर अलग ही आता है, वैसा फ्लेवर अभी आ रहा है। रबड़ी का घेवर है और काफ़ी छोटू सा घेवर है, टेस्ट एक नंबर है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जयपुर में इतनी सारी मिठाइयाँ खाई ना, घेवर और फीणी अगर आपको कहीं मिलेगी बेहतरीन तो आप यहाँ पर आइए, एक बार चखिए, फिर खरीदिए, एक बार देखिए यहाँ पे क्वालिटी आपको कितनी मिलती है। और एक बार देखिए यहाँ पे घेवर, ये देखिए ये सारे छोटे घेवर हैं, फिर ये उससे बड़े साइज़ के हैं, और नीचे सबसे बड़े साइज़ के घेवर यहाँ पर डिस्प्ले में आपको मिल जाते हैं। तो हम इसको करते हैं अभी अपनी डायरी में ऐड करते हैं कि हमने कौन से नंबर का फूड ये है और आगे हम क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा 4th आइटम था जो आज के दिन हमने कवर किया, हम अपनी डायरी में ऐड कर लेते हैं कि आज हमने मतलब आपके लिए, देखिए मैं सबूत के साथ वीडियो बना रहा हूँ आज। देखिए ये 4th आइटम है, फेमस घेवर। ये देखिए अभी हमने 4 आइटम ऐड कर लिए हैं, अभी आगे और जर्नी बाकी है। जितना हो सकेगा मैं आपको दिखाऊंगा हर
एंट्री के बाद आपको एक ही लाइन में बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाल कलर का बटन आ उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए, क्योंकि जयपुर के बारे में अनएक्सप्लोर कंटेंट सिर्फ आपको कहाँ मिलता है, मिस्टर जयपुर के चैनल पर। तो दोस्तों मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, जो ब्रजवासी स्वीट हाउस है उसका, आप घी वालों के रास्ते में घुसेंगे, घुसते ही आपको राइट साइड की जो शॉप है वो आपको मिल जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉप हमारा कौन सा होने वाला है, क्योंकि भैया हमने सुबह से देखो कांजी बड़े खा लिए, हमने आलू के पेटीज खा ली, हमने घेवर खा लिए, हमने नींबू पानी पी लिया, अब थोड़ा सा क्या चटपटा सा खाने का मन कर रहा है। तो अभी हम घी वालों के रास्ते में ही हैं, घी वालों के रास्ते में हम हैं अभी श्री राम चाट की जो शॉप है वहाँ पर हैं, और अभी यहाँ पर हम खाने वाले हैं आलू की टिक्किया, और आपको बताने वाले हैं कि आपको यहाँ पर क्या क्या और मिल जाएगा। सर्च क्या करना है आपको घी वालों के रास्ते में जब आएंगे ना आपको, तो अभी हमने घेवर का वीडियो बनाया, तो उसके थोड़ा सा 50 मीटर की दूरी पर ये शॉप हमको दिखी है। थोड़ा सा आप मेरे को कैमरा दीजिए, ये देखिए यहाँ पर ये अंकल हैं, और यहाँ पर अभी क्या बन रहा है भैया, ये पेठा यहाँ पर बन रहा है, और ये अंकल हैं यहाँ पर, और देखिए इनके पास समोसा कचौरी वगैरह सब कुछ मिलने वाला है। अभी हम आलू की टिक्किया यहाँ पर खाने वाले हैं, तो अंकल जी एक आलू की टिक्किया हमारे लिए लगा दीजिए, बढ़िया करारी करारी। ये टिक्किया ये बन रही है, और इसके अंदर आप अंकल जी आपने क्या डाला है, ये दाल का आलू का मटर का मसाला आपने यहाँ पर ये डाल दिया है, और ये देखिए काफ़ी, क्योंकि और जो टिक्की रहती है वो सिंपल रहती है, पर यहाँ पर आप जब आएंगे श्री राम चाट भंडार पर तो आपको मसाले वाले की आलू की टिक्किया यहाँ पर मिलेगी। और अंकल जी आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम भंवरलाल जी हैं, तो भंवरलाल जी आपको यहाँ पर मिलेंगे। इन्होंने देखिए तेल में ये डाल दिए टिक्किया, काफ़ी मल्टीपल आइटम, मल्टीपल जो इंडियन स्नैक्स है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये देखिए इन्होंने ये मसाले वाले की आलू की टिक्किया जो है वो यहाँ पर बनती रहती है, और गर्मा गर्म आपको सर्व की जाती है। ऐसे नहीं एक साथ 8-10 बना के रख दिया, आप जैसे जैसे आते हैं आपको गर्मा गर्म ये बनाकर खिलाते रहते हैं। तो अभी हम टेस्ट करके बताने वाले हैं कि कैसी हमको ये लगती है। तो दोस्तों हमारी जो आलू की टिक्किया है वो बनने जा रही है, देखिए करारी करारी तेल में से निकल रही है, और बढ़िया तरीके से अंकल ने काट दी है, और देखिए अभी इसमें क्या क्या डालने वाला है सारा प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले क्या डालेंगे अंकल जी? इसमें चाट मसाला डालेगा, चाट मसाला डाल दिया है, नमक डाल दिया है, और ये छोले जो है वो डालने जा रहे हैं। अब देखिए ये छोले डल चुके हैं, और अब इसमें क्या डालेंगे अंकल जी? हरी चटनी यहाँ पर ये डाल दी है, और इसमें ये लाल चटनी अब डाल दी है, ये देखिए प्याज खाते हो? प्याज खाते हैं सर बिल्कुल। देखिए ये प्याज इन्होंने डाल दिए हैं, और बढ़िया तरीके से इन्होंने ये टिक्किया लगा दिए, और अब हम इसको टेस्ट करके आपको बताने वाले हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा टिक्किया टेस्ट करके बताने वाला हूँ कि कैसी टिक्किया है, क्योंकि आहा मजे आ गए भाई। मतलब पता है क्या, ऐसी टिक्किया ना आपको हर जगह नहीं मिलती है, आपको टेस्ट मिलेगा पर यहाँ पर जो ऑथेंटिक जो टेस्ट है टिक्किया का, आलू का और मसालों का जो टेस्ट है ना वो इसमें आ रहा है। अभी थोड़ा सा एक बाइट और लेके बताता हूँ। छोले की जो क्वालिटी है, जो असली जो छोले जैसे कहते हैं टिक्की और छोले, वो वाले छोले ये हैं। एड्रेस मैंने आपको बता ही दिया है, घी वालों के रास्ते में श्री राम चाट भंडार पर अभी हम बैठे हैं, और आहा कभी भी आ जाए ना ये टिक्किया तो ज़रूर ट्राई कीजिए। शॉप नंबर 1/78 के नाम से इनकी शॉप जो नंबर है दुकान का वो है, बल्कि आप आएंगे ना तो आपको अंकल बाहर देखे बैठे हुए मिल जाएंगे, पगड़ी वाले अंकल जी हैं। अभी वो बता रहे थे, एक बार उनको बता दीजिए, वो बता रहे हैं कि पगड़ी वाले अंकल जी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अब हमारी डायरी में नोट करने के लिए आ गया 5th आइटम, जो अभी हमने खा के बताया है, आलू की टिक्की। ये देखिए 5 आइटम अभी हमने खा लिए हैं, ऐड कर लिए हैं, और इस डायरी में आगे क्या ऐड होने वाला है वो तो अभी हम आगे देखते हैं। बाकी हम आपको जयपुर की फूड यात्रा में ऐसे ही आगे लेके चलने वाले हैं, ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो दोस्तों जयपुर की फूड यात्रा करते करते अब हम पहुंचे हैं जयपुर के फेमस दही बड़े खाने, और यहाँ पर देखिए अग्रवाल चाट भंडार है। तो अग्रवाल चाट भंडार पर हम काफ़ी रिकमेंडेशन से यहाँ पर आए हैं, क्योंकि इनके जो दही बड़े हैं ना वो पूरे जयपुर में काफ़ी फेमस है, और फेमस चीज़ों की तलाश तो मुझको रहती है। अब इस डायरी में ऐड करने का वक्त आ गया है जयपुर के फेमस दही बड़े।
तो सर आपका नाम बताइए। दिलीप अग्रवाल। दिलीप अग्रवाल जी, कितने टाइम से आप ये लगा रहे हैं? 20 साल से लगा रहे हैं। तो देखिए, और आपके पास क्या क्या आइटम मिल जाता है दही बड़े के लिए? खमन ढोकला, पपड़ी चाट। दही बड़े हैं, खमन ढोकला, पपड़ी चाट अगर के लिए आप आ रहे हैं ना, तो आपको यह एड्रेस मैंने आपको बता दिया है, जो गेट नंबर 4 है मेट्रो का, यहाँ पर लगती है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बड़ी चौपड़ का थोड़ा नज़ारा थोड़ा दिखा दीजिए। बड़ी चौपड़ का नज़ारा यहाँ पर है, और ये अग्रवाल जी जो इनका जो चाट का ये कार्ट है वो यहाँ पर लगता है। और भैया प्राइस क्या रहती है? 20 रुपये। 30 रुपये है, 30 रुपये का दही बड़ा अभी हम लगवाने वाले हैं, और आपको टेस्ट करके हम बताने वाले हैं कि कैसा टेस्ट जयपुर की गलियों का रहता है, जयपुर के स्ट्रीट फूड का जो रहता है। अभी हम हमारा दही बड़ा बनवाने जा रहे हैं। देखिए, अभी हम एक ही लगवा रहे हैं, क्योंकि हम मतलब कि सुबह से मैं बहुत सारा खाना खा चुका हूं, तो अभी मैं जस्ट आपको एक टेस्ट करने के लिए बताने वाला हूं। अभी क्या क्या डाला सर आपने इसके अंदर? काला नमक, लाल मिर्ची, जीरा। काला नमक, लाल मिर्ची और जीरा, और ये मीठी चटनी ये डाल रहे हैं। ये मीठी चटनी इन्होंने डाल दी है। आप क्या डालेगा सर? ये दही। ये दही डल गया है, और दही डलने के बाद जो हरी चटनी यहाँ पर आ रही है, हरी चटनी भी डल गई है, और वापस एक बार दही की जो परत है वो बनाई गई है। और आपकी टाइमिंग क्या रहती है सर? 12:30 से शाम को सात बजे तक जो टाइमिंग रहती है। जयपुर के फेमस दही बड़े अभी हम आपको टेस्ट करा के बताने वाले हैं, और बताने वाले कि जयपुर की गलियों का, जयपुर के जायके का क्या स्वाद रहता है, और कैसे कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते। वक्त हम खड़े हैं जयपुर की बड़ी चौपड़ पर, और अभी हम जो दिलीप अग्रवाल जी का जो फेमस दही बड़ा है वो हम खाने जा रहे हैं। क्वांटिटी हमने कमी लगवाई, क्योंकि हम सुबह से बहुत सारा खाना खा चुके हैं, तो पेट में इतनी जगह नहीं, फिर भी आप लोगों के लिए हम टेस्टिंग थोड़ी बहुत करके बताने वाले हैं कि कैसा टेस्ट हमको रहता है। वाह, मज़ा आ गया। मतलब अगर आप इस दही बड़े खाएंगे ना, आपके मुंह में ज़्यादा पिघल जाएगा, ऐसा इसका टेस्ट है। और जो मेकिंग है आप देख सकते हैं, कितना सुंदर तरीके से उन्होंने अपना जो कार्ट है वो सजा रखा है, और आपको देखते ही भूख लग जाएगी। अगर आप देखेंगे ना तो आपको देखते ही भूख लग जाएगी। तो कभी आप आ रहे हैं ना जयपुर स्ट्रीट फूड की तलाश में, तो एक बार अग्रवाल जी का फेमस दही बड़ा ज़रूर खा के देखिए। ये देखिए, और बताइए इसमें सबसे फेमस चीज़ क्या है? बढ़िया चीज़ जो मतलब इनकी जो मीठी चटनी है ना, वो काफ़ी बढ़िया टेस्ट है। तो मेरी तरफ से जो रेटिंग जाएगी, 5 में से 5 जाएगी भैया, क्योंकि टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। तो दोस्तों, आज की जो हमारा जो नोटपैड है, वो जो डायरी है, उसमें 5 आइटम तो ऐड हो चुके थे। 6th आइटम अभी हमने खाया है, जयपुर का फेमस दही बड़ा। तो हम यहाँ पर 6th आइटम जो ऐड कर लेते हैं, दही बड़ा। तो फेमस दही बड़ा हमने कर लिया है। आज हमने आपके लिए 6 जो फूड आइटम है ना वो कवर किए हैं, और 6 फूड आइटम हमने आपको खा के बताए हैं कि कैसा टेस्ट रहता है, कहाँ कहाँ आपको मिलेगा, कितने कितने की प्राइस इनकी है। तो आई होप दोस्तों, आज की जो फूड यात्रा है, जयपुर का जो फूड टूर है, आपको बेशक पसंद आया होगा। मेहनत काफ़ी लगी है, फूड भी एक से एक हमने जो स्ट्रीट फूड है वो आपके लिए कवर किया। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जयपुर के बारे में अनएक्सप्लोर प्लेसेस की, फूड की, और जो प्लेसेस की वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ, लाल कलर का बटन आ रहा होगा उसको दबा के भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पंखे की, कूलर की, एसी के, हम बस आपको क्या करना है, लाल कलर का बटन दबाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर और लाइक करना है, ताकि आपको ऐसा कॉन्टेंट आगे देखने को मिलता रहे। यदि अभी आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम में भी कर लीजिए फॉलो, MISTER__ जयपुर के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। वहाँ पर आपको जो रॉ कंटेंट है, रील वगैरह है, वो वहाँ पर आपको देखने को मिलती रहती है। इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।